सभी आसाम वासियों को जय हिंद, नमस्कार। रंगाली बिहू की शुभकामना। लोकसभा का चुनाव है, आपके सामने आपकी जिंदगी से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं। महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, किसानी का सवाल है और CAA का सवाल। आपको वादा किया गया कि विदेशियों को भगाएंगे, लेकिन CAA का कानून लाकर विदेशियों को लाने की योजना बनाई जा रही है। आसाम में 450 रुपए मजदूरी का वादा करके वो वादा पूरा नहीं किया गया। शिक्षा की हालत क्या है आप सब जानते हैं, स्वास्थ्य की हालत क्या है आप सब जानते हैं, स्कूल के अस्पताल के क्या हालात हैं। और आम आदमी पार्टी, नई उम्मीदों की पार्टी, आपके जिंदगी में बदलाव लाने का संकल्प लेकर जो पार्टी काम कर रही है, उसके काम आप दो राज्यों में देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किस तरह से फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, 1,000 रुपए माताओं बहनों के लिए हर महीने, और ये सब काम करने के बाद मुनाफे का बजट दे रही है केजरीवाल जी की सरकार। और ऐसे ही काम हमने पंजाब में शुरू कर दिया, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, ये भगवंत मान जी की सरकार काम कर रही है। ये सब बातचीत करने के लिए आपसे केजरीवाल जी मिलने के लिए आने वाले थे, चुनाव में प्रचार करने के लिए आने वाले थे, उनको गिरफ्तार करके मोदी जी ने जेल में डाल दिया। क्या ये अत्याचार आपको सही लगता है? क्या आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है, बिजली पानी के लिए काम करता है, उसको उठा के जेल में डाल देना चाहिए? फिर तो कोई नेता इस देश में काम नहीं करेगा। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप काम की राजनीति को देश में बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले, दिल्ली जैसा मॉडल, पंजाब जैसा मॉडल आसाम में भी आए, तो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। जेल का जवाब वोट से दीजिए। हमारे दो कैंडिडेट हैं, इन दोनों को अपना वोट देके झाड़ू पे बटन दबा के जिताइए। ये इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, इनको अपना मत दीजिए, झाड़ू पे बटन दबाइए और जिताइए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।